पिछले 1.5 साल से जो है हिमाचल प्रदेश में इस बोर्ड में राजनीति ज्यादा हो रही है और काम कम हो रही है। इस संगठन का, इस सरकार का प्रचार प्रसार होगा और जिस पे करोड़ों रुपए फूका जाएगा, जबकि वही मदद जो है मजदूरों को ना कोई बहाना लगा करके उनको लंबित किया गया है, करोड़ों रुपए की राशि जो है मजदूरों की लटकी हुई। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए गए संवैधानिक संस्था श्रमिक कल्याण बोर्ड का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है और हजारों मजदूरों को बोर्ड से मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जा रहा है, जिसका खामियाजा सीएम जयराम ठाकुर को आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। ये बात सोमवार को हिमाचल प्रदेश मनरेगा एवं ग्रामीण कामगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संत राम ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। सुनिए आगे क्या कुछ कहा है अध्यक्ष संत राम ने। पिछले 1.5 साल से जो है हिमाचल प्रदेश में इस बोर्ड में राजनीति ज्यादा हो रही है और काम कम हो रही है। राजनीति ज्यादा होने के कारण जो है करोड़ों रुपए जो है जो कामगारों के खाते में जाने चाहिए थे वो उनके खाते में नहीं जा पा रहे हहैं, क्योंकि पिछले छः महीने तो जिला मंडी के जो है आपके लेबर कार्यालय में कोई काम हुआ नहीं। जो कर्मचारी थे वहाँ उनकी रातों रात ट्रांसफर की गई और उसमें दोनों जो एक तो महत्वपूर्ण मंत्री है हिमाचल प्रदेश में उसका हाथ भी है और माननीय मुख्यमंत्री उसमें थे और उनके दखल देने से क्या हुआ कि इस बोर्ड का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था उन मजदूरों का बेहतरी के लिए, वो सारे काम प्रभावित हो गए। और पिछले साल तो ये हो गया कि दो करोड़ जो है इस बोर्ड ने जो मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले, जबकि ये जो बोर्ड के पैसे हैं ये मजदूरों की बेहतरी के लिए उनके जितनी भी योजनाएं उनकी उसमें खर्च होना है, लेकिन राजनीतिक तौर पे जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले जा रहे हैं। और अभी मैं सराज की बात कर रहा हूँ, मैं सराज में कोई 6 करोड़ है जो लोगों के मजदूरों के खाते में जा रहे हैं वो लटके हुए हैं, अभी वो पेंडेंसी मंडी में पड़ी हुई है और 31 मार्च तक जो है अभी कह रहे थे 31 मार्च तक उस पेंडेंसी को पूरी करेंगे, लेकिन जिला लेबर अधिकारी ने कहा कि हम 31 जनवरी को पूरी पेंडेंसी खत्म कर देंगे। ये उन्होंने लिख करके दिया था चीफ सेक्रेटरी उनका जो इसका बोर्ड का है वहाँ लिख के दिया था, लेकिन अभी तक पेंडेंसी खड़ी है। अभी मैं खुद अभी जो लेबर ऑफिस कार्यालय में जाके आया हूँ, मेरा हमारा कहने का मतलब है कि इस तरह की राजनीति दखल की जाएगी तो इसका खमियाजा मुख्यमंत्री को भी ये उसको भी उसके उसका खमियाजा जो भुगतना पड़ेगा और एक प्रभावशाली मंत्री और है जिला मंडी उसको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी जो क्लेम है ये उन मजदूरों से हैं जो सीधे तौर पे जो है उनको जो है जो बोर्ड के समय है उनको जो है सीधी चोट करेगा।